हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो एडवर्ब मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को, उसको मॉडिफाई करता है। एडवर्ब अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ये हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, किस तरीके से हो रही है, अच्छा बुरा सफाई क्लियरली सब जो होते हैं वो क्या है, एडवर्ब्स। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ द एक्शन इज कैरीड आउट। तो हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन कैसे कैरी आउट हो रहा है, कैसे कोई भी एक्शन हो रहा है। तो ये मॉडिफाई करता है वर्ब को। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल द टीचर स्पोक क्लियरली, द टीचर स्पोक, ठीक है टीचर बात कर रहा है, लेकिन कैसे बात कर रहा है वो यहाँ पे बताता है। क्लियरली द टीचर स्पोक क्लियरली, टीचर ने अच्छे से बात की, क्लियरली उसने सब बताया या समझाया जो भी है। तो क्लियरली जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, किस मैनर में हुआ है। तो अब यहाँ पे ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें हमने देखना है कि एडवर्ब कौन सा है, उसको हमको सर्कल करना है। सर्कल द एडवर्ब इन ईच सेंटेंस। पहला है मिया वाज बैडली इंजर्ड व्हेन शी फेल डाउन द स्टेयर्स। तो मिया वाज इंजर्ड भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे बैडली यूज़ हुआ है। बैडली यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब, ये बता रहा है कि वो कैसे इंजर्ड हुई, कैसे उसको लगी जब वो सीढ़ियों से गिरी, तो उसको बहुत बुरी तरीके से लगी। तो यहाँ एडवर्ब क्या आएगा, बैडली। टू, सेकंड, द डियर रैन क्विकली इन टू द डेंस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे एक डियर भाग रहा है, यहाँ भाग चुका है, तो कैसे भागा है, क्विकली, बहुत तेज़ी से भागा है डेंस फॉरेस्ट में, क्विकली यहाँ पे आएगा एडवर्ब। थर्ड, सिल्विया सैंग द कैरल्स मेरीली। तो सिल्विया जो है वो बहुत खुशी से गाना गा रही है। कैरल्स इज अ टाइप ऑफ फोक सॉन्ग जो कि क्रिसमस या किसी फेस्टिवल से रिलेटेड होता है। तो सिल्विया सैंग द कैरल्स मेरीली, उसने बहुत खुशी से गाया हुआ, तो मेरीली यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब। फोर्थ, द डॉक्टर स्पोक कामली टू द पेशेंट। द डॉक्टर स्पोक टू द पेशेंट भी आ सकता था, लेकिन हमें बताना है कि उसने कैसे बात की। तो यहाँ पे कामली वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब। ये स्पोक जो वर्ड है उसको मॉडिफाई कर रहा है। फिफ्थ, द बेबी इज क्रॉलिंग स्लोली। बच्चा है वो चल रहा है बहुत धीरे धीरे, क्रॉल कर रहा है, तो स्लोली यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब। ब्रेंट प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली। ब्रेंट जो है वो पियानो बजा रहा है बहुत अच्छे से, अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुली वो पियानो बजा रहा है, तो ब्यूटीफुली यहाँ क्या होगा, एडवर्ब। सेवन्थ, इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट। तो अगर हम यहाँ ये भी लिख सकते थे इट रेन्ड लास्ट नाइट, लेकिन हमें बताना है कि कैसे, किस मैनर में बारिश हुई, तो बहुत बारिश हुई, तो उसको हम लिखेंगे इट रेन हैविली। हैविली यहाँ क्या होगा, एडवर्ब। एट, मिसेस परकिंस आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू राइट नीटली। परकिंस जो है वो अपने बच्चों को क्या बोल रही है, स्टूडेंट्स को बोल रही है कि साफ साफ लिखो, नीटली मतलब साफ, तो नीटली यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब। द डोरबेल रैंग लाउडली। डोरबेल जो है, घंटी जो है घर की, वो बहुत जोर से बजी, लाउडली यहाँ क्या होगा, एडवर्ब। द डोरबेल रैंग भी आ सकता था, लेकिन मैनर जो है हमें बताना है वर्ड का, तो वो क्या आएगा, डोरबेल रैंग लाउडली। द मैनेजर पेशेंटली लिसेंड टू द कस्टमर्स कंप्लेंट। द मैनेजर लिसन टू द कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर्स कंप्लेंट भी आ सकता था, लेकिन उसने
कैसे उनकी कंप्लेंट सुनी, कैसे उनकी शिकायत सुनी, वो यहाँ पे हमें देखना है। तो वो कैसे हुआ, पेशेंटली, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से उसने कस्टमर की कंप्लेंट सुनी। तो पेशेंटली यहाँ क्या होगा, एडवर्ब। तो ये हमने देख लिया एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे होता है, कौन कैसे, कौन कौन से होते हैं, क्लियरली, बैडली, क्विकली, मेरिली, कामली, स्लोली, ब्यूटीफुली, हैवीली, नीटली, लाउडली, पेशेंटली, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो एडवर्ब क्या होता है, जो किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करे और बताए कि कोई भी काम कैसे हो रहा है, हाउ द एक्शन इज कैरीड आउट। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे कुछ और एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।